आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोलूशन पाओ डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में एक कंटेनर में एक टॉय बोट है अगर वो फ्लोट कर रहा है सोच लो इतना दूर तक सो अगर उसको डिप किया पूरा माने वो इमर्स हो गया पूरा ये वाटर हेट है तो ये पूरा इमर्स हो गया ऐसे सो so, वाटर हाइट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये हमें फाइंड करना है फ्लोटिंग कंडीशन में क्या होता है इतना जो वॉल्यूम है वो बोट ऑक्यूपाई कर रहा है सो so, जो वी वॉल्यूम जो बोट का वॉल्यूम है उतना हाइट वॉल्यूम रेज होगा सो अगर पूरा डिप किया तो इसका कुछ वॉल्यूम नहीं होगा सिर्फ एक स्टील बोट है सो वॉल्यूम रिड्यूस होगा अगर वॉल्यूम हो रिड्यूस हुआ माने हाइट ऑफ लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज होगा सो इसका आंसर है फॉल्स डाउन पहला जो है फॉल्स डाउन, दूसरा है विल द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस डिक्रीज और इंक्रीज सेम ही रहेगा क्योंकि इधर जो स्प्रिंग बैलेंस है वो मास फाइंड करता है इनिशियल और फाइनल मास तो सेम है पर वॉल्यूम चेंज हो रहा so, है बस सो फॉर बी कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट आंसर है सी में क्या दिया है एक बोट है ये सोच लो ये एक रिवर है इस रिवर में ये एक बोट है दूसरा एक लॉग है सो so, अगर ये लॉग को लेके बोट में डाला तो इधर जितना जो वॉल्यूम लॉग का है वो घटेगा और इसमें बोट का वॉल्यूम इंक्रीज होगा सो चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लेक इज इक्वल टू जीरो क्योंकि जितना जो लॉग